subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. मैं हूं रुखसार शहजाद, सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,40,263 हो गई। हलाकतों की तादाद 10,208 हो गई है। कनेडियन सूबे ओंटेरियो के एल्मर टाउन में एंटी मार्क्स मुजाहिरों के पेश नज़र स्टेट ऑफ एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि एक ऐसी तकरीब जिसमें सैकड़ों अफराद बगैर मार्क्स के शरीक हों वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान नहायत ही ख़तरनाक हो सकती है। कनेडियन सूबे क्यूबेक में मजहबी अलामत पर पाबंदी आयद करने वाले बिल के खिलाफ समाअत का आगाज हो गया है। बिल के मुखालिफ ग्रुप्स का कहना है कि सेकुलरिज्म कानून गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम खवातीन को सरकारी शोबे जैसे तालीम और कानून की मुलाजमतों से महरूम करता है। ट्रंप की जीत से कनाडा अमरीका ताल्लुकात मुतासर होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप कनाडा के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। वो इस बारे में नहीं सोचते कि जब हम पॉलिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या मकासद होते हैं। तुर्की में 91 घंटों के बाद मलबे से बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्क सदर का कहना था कि खुदाए बरतर का शुक्र है कि जिसने मौजज़ा दिखाते हुए हमें पुरउम्मीद रहने का एक और मौका दिया। मौजाना तौर पर बच जाने वाली बच्ची ने इमदादी कारकुनान के हौसले बुलंद किए हैं। दहाइयों से सदारती इलेक्शन में दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमरीकी प्रोफेसर ने ट्रंप की शिकस्त बता दी। उन्होंने गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन में ट्रंप की गैर मतवक्के फतह की भी दुरुस्त पेशगोई की थी, लेकिन इस बार वो ट्रंप को शिकस्त खाता देख रहे हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम का अख्तिताम होने के बाद अब पोलिंग का अमल जारी है। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के अख्तिताम पर कहा कि वो एक और खूबसूरत फतह हासिल करने जा रहे हैं, जबकि जो बाइडन ने वोटर से कहा कि वो जमहूरियत को बचाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,73,86,410 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 12,12,445 हो गईं, जबकि 3,40,70,156 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699 पर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले सूबे के 4 अहम रीजन्स में तरमीम शुदा स्टेज 2 के तहत पाबंदियों में नरमी करने जा रहे हैं, जिस पर महकमा सेहत के हुकाम काम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,40,263 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,208 हो गई है। क्यूबेक सूबे कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 1,08,018 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,000
283 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 77,655 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,152 है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सूबे के 4 अहम रीजन में तरमीम शुदा स्टेज 2 के तहत पाबंदियों में नरमी करने जा रहे हैं, जिस पर महकमा सेहत के हुक्काम काम कर रहे हैं। अल्बर्टा में 27,664 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 323 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 15,501 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 269 है। एल्मर के मेयर का कहना है कि वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। 7,500 रिहायशियों पर मुश्तमिल इस कस्बे में पुलिस के लिए अवामी हिफाजत के वसाइल नहीं हैं। हंगामी हालात का ऐलान करके हम मदद के लिए सूबे तक पहुंच सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के एल्मर टाउन में एंटी मास्क मुजाहरों के पेश नज़र स्टेट ऑफ एमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इंतजामिया की जानिब से मास्क मुखालिफ मुजाहरों के नतीजे में इलाके में बदमनी और खिदमात के मुतासिर होने के खदशात के तहत ये इकदामात उठाए गए हैं। 7 नवंबर को होने वाला मुजाहरा अपनी नवयत का दूसरा मुजाहरा था और इससे कबल 24 अक्टूबर को इस किस्म का मुजाहरा किया गया था। वाज़ेह रहे कि एल्मर ऑक्सफोर्ड में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है, जबकि पीर के रोज 337 में से 89 केसेस इसी इलाके में रिपोर्ट हुए थे। इलाके के मेयर का कहना है कि वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। 7,500 रिहायशियों पर मुश्तमिल इस कस्बे में पुलिस के लिए अवामी हिफाजत के वसाइल नहीं हैं। हंगामी हालत का ऐलान करके हम मदद के लिए सूबे तक पहुंच सकते हैं। हुकाम का कहना है कि एक ऐसी तकरीब जिसमें सैकड़ों अफराद बगैर मास्क के शरीक हों, वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान नहायत खतरनाक हो सकती है। क्यूबेक सूबे की एक अदालत में मजहबी अलामात के खिलाफ नाफिस कानून के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। सामाजिक हुकूक की तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि कानून इम्तियाजी सलूक पर मबनी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे क्यूबेक की एक अदालत में मजहबी अलामत के खिलाफ नाफिस कानून के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। समाजी हकूक की तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि ये कानून इम्तियाजी सलूक पर मबनी है। ग्रुप्स का कहना है कि सेकुलरिज्म कानून गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम खवातीन को सरकारी शोबे की मुलाजमतों जैसे तालीम और कानून से महरूम करता है। मुकदमे के पहले दिन मुदईयों ने कानून को जाहिर करने की कोशिश में गवाहों को बुलाया, जिसने सूबे में मजहबी अकलियतों की जाति और वराना जिंदगियों को मुतासिर किया है। मुतासरीन का कहना था कि अगरचे हम मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम इसके साथ क्यूबेक के शहरी भी हैं और हमें मजहबी आजादी हासिल होनी चाहिए। बिल 21 नामी कानून के खिलाफ दरख्वास्त नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम, कैनेडा सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन और एक मुसलमान खातून ने दायर की थी। वाज़ेह रहे कि जून 2019 में मुतनाज़ा कानून बिल 21 के तहत तालीम, वकला, पुलिस अफसरान और दीगर अवामी शोबों में मुलाजमत के दौरान मजहबी अलामतें पहनने पर पाबंदी आयद की गई थी। अदालत में इस मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों तक जारी रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप के पास कोई फलसफा नहीं है, वो कदामत पसंद नहीं है, वो कोई जबरदस्त हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सफीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप के दूसरी मुद्दत के दौरान कनाडा अमेरिका ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप कनाडा के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते। उन्होंने खबरदार किया कि ट्रंप की एक दूसरी मुद्दत में दो तरफा ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब तिजारत के मामला जहन में नहीं होते तो बोल्टन ने कहा कि ट्रंप कनाडा का बहुत कम ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो उनके इंतखाबी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता है। बोल्टन ने कहा कि सदर के पास कोई फलसफा नहीं है, वो कदामत पसंद नहीं है, वो कोई जबरदस्त हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते हैं, वो इस बारे में नहीं सोचते कि जब हम पॉलिसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या मकासद होते हैं। तुर्की के शहर इजमीर में खौफनाक जलजला आने के 91 घंटों बाद 4 साल बच्ची को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। इजमीर में 51 घंटों तक इमारत के मलबे में दबी 4 साल बच्ची आयदा मौजाना तौर पर जिंदा रही। इजमीर के मेयर का कहना है कि हमने 51 घंटों में एक मौजा देखा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तुर्की के शहर इजमीर में खौफनाक दलदला आने के 91 घंटे बाद 4 साल बच्ची को इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। बच्ची की हौसला अफजाई करने और इमदादी कारकुनान की सताइश के तौर पर तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उर्दवान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कई घंटे मलबे तले दबे रहने के बावजूद नन्नी बच्चियों के जिंदा बच जाने को मौजजा करार दे दिया है। उर्दवान का कहना था कि खुदाए बरतर का शुक्र है कि जिसने मौजजा दिखाते हुए हमें पुरउम्मीद रहने का एक और मौका दिया। उन्होंने लिखा कि तौर पर बच जाने वाली बच्ची ने इमदादी कारकुनान के हौसले बुलंद किए हैं। ख्याल रहे कि इजमीर में 91 घंटे तक इमारत के मलबे में दबी 4 साल बच्ची आयदा मौजजाना तौर पर जिंदा रही। इजमीर के मेयर का कहना है कि हमने 91 घंटे में एक मौजजा देखा है। 1984 से सदारती इंतखाबात में फतह की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तारीख दान मौजूदा इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त देख रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। 1984 से सदारती इंतखाबात में फातह की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तारीख दान एलन लिक्टमैन मौजूदा इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त देख रहे हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रियासत हाय मुतहदा अमरीका में सदारती इंतखाब की मुहिम जोर शोर से जारी है और उम्मीदवारों बिलखसूस ट्रंप और जो बाइडन के हामी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। ताहम इस बार इलेक्शन के दिन से पहले रिकॉर्ड तादाद अपने वोट कास्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी फतह का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ताहम अमरीका में एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो 1984 से होने वाले हर इलेक्शन के दौरान फातह की दुरुस्त पेशगोई करते आए हैं और गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन में ट्रंप की गैर मुतवक्का फतह की भी दुरुस्त पेशगोई की थी, लेकिन इस बार वो ट्रंप को शिकस्त खाता देख रहे हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को रियासत मिशिगन से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बरस कबल 2016 के इलेक्शन में इस रियासत में हैरान कुन अपसेट किया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम का अख्तिताम होने के बाद अब पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। सदर ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के अख्तिताम पर कहा कि वो एक और खूबसूरत फतह हासिल करने जा रहे हैं, जबकि जो बाइडन ने वोटर से कहा है कि वो जमहूरियत को बचाएं। आमतौर पर अमरीका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को रियासत मिशिगन से कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बरस कबल 2016 के इलेक्शन में इस रियासत में हैरान कुन अपसेट किया था। पीर की शाम अपनी इलेक्शन मुहिम के अख्तिताम के लिए 2016 की तरह सदर ट्रंप ने एक मर्तबा फिर मिशिगन के शहर ग्रैंड रैपिड्स का रुख किया। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,23,139 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 82,67,623 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मौजूदा वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,73,86,410 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजूदा वायरस से हलाकतें 12,12,445 हो गईं, जबकि 3,40,70,156 कोरोना मरीज सहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,36,997 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 95,67,543 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,23,139 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 82,67,623 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहाँ ये वायरस 1,60,272 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 55,54,206 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 28,828 हो गई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 16,73,686 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 37,435 हो चुकी हैं, जबकि यहाँ इस वायरस के अब तक कुल केसेस 14,66,433 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इस फहरिस्त में 26वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,437 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,48,037 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।